इस्लाम का आगाज स्पेन में 711 ईस्वी में अरब के बनू उमैया के शासनकाल में हुआ था। मुसलमानों का शासन वहां 1492 ईस्वी तक रहा। फिर वहां ना कोई मुस्लिम रहा, ना ही कोई एक भी मस्जिद बची। 711 में इस्लाम तेजी से फैल रहा था। मुसलमानों ने अफ्रीका के बड़े हिस्से को जीत लिया था और यूरोप की तरफ देख रहे थे। तभी सेस्ता का शासक जूलियन अफ्रीका के अमीर मूसा बिन नसीर के पास आता है। वह प्रस्ताव रखता है उंदलुस यानी स्पेन पे आक्रमण का। मूसा उसकी बातों पर गौर करते हैं, फिर कहते हैं कि तुम तो ईसाई हो, फिर मेरा साथ क्यों दे रहे हो। जूलियन बताता है कि उसकी लड़की की इज्जत उंदलुस यानी स्पेन के राजा रोडरिक ने लूट ली है। वह उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा सेना नहीं है। मूसा बिन नसीर, जो उस वक्त अफ्रीका के अमीर थे, उनको हमले के लिए तैयार कर लेता है और मूसा बिन नसीर एक 19 साल के नौजवान जर्नैल को मात्र 7000 की फौज के साथ हमले के लिए उंदलुस यानी स्पेन भेजते हैं। दोस्तों, वो 19 साल का नौजवान कोई और नहीं बल्कि तारिक बिन ज़ियाद थे। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तारिक बिन ज़ियाद वो फातेह हैं जिनको मुसलमानों के साथ साथ पूरा यूरोप जानता है। 29 अप्रैल 711 ईस्वी का वो तारीख जिस दिन तारिक बिन ज़ियाद जिब्राल्टर के साहिल पर उतरे, तो आपने खैमे नसब करवाने के बाद कश्तियों में जो सामान था वह खैमों में मुंतकिल करवाया और कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया। कमांडर के इस हुक्म पे सब हैरान थे। इस पर फौज के कुछ लोग कहते हैं कि आप कश्तियाँ जला देंगे तो हम वापस कैसे जाएंगे। तो इस पर तारिक बिन ज़ियाद ने एक तारीखी तकरीर की, सुनो मेरे जवानों, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे पीछे समंदर है और आगे फतह या शहादत, और दोनों में ही बड़ी कामयाबी है। ये बनू उमैया का दौर था। मरवान बिन अब्दुल मलिक मुसलमानों के खलीफा थे। दमिश्क इस्लामिक हुकूमत की राजधानी थी। मूसा बिन नसीर अफ्रीका के अमीर थे। तारिक बिन ज़ियाद आपके खादिम के बेटे थे। वालिद के शहादत के बाद ये लड़का मूसा बिन नसीर की फ़ौज में शामिल हो गया। वो एक पैदाइशी जनरल थे। जब वो जवान हुए तो मूसा बिन नसीर ने उन्हें तंजा का गवर्नर बना दिया, जो मोरक्को का एक शहर है। स्पेन में उस वक्त रोडरिक की हुकूमत थी। जब तारिक बिन ज़ियाद जिब्राल्टर पर उतरे तो जहाज़ों को आग लगा दी ताकि फौज के दिल में वापसी का ख्याल न रहे। इनके पास कुल 7000 फौज थी और रोडरिक 40000 फौज लेकर आया था। इसके बावजूद रोडरिक को शिकस्त हुई और वहां से भाग गया। तारिक बिन ज़ियाद जिब्राल्टर को फतह करने के बाद स्पेन में घुसे। 29 जुलाई 711 ईस्वी को वादी लका में बहुत बड़ी जंग हुई। इसमें भी रोडरिक की हार हुई और वो पूरे उंदलुस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। तारिक बिन ज़ियाद की कायम की हुई ये मुस्लिम सल्तनत स्पेन देश पर लगातार 800 सालों तक कायम रही थी, लेकिन फिर अचानक से 800 साल बाद ये हुकूमत ख़त्म कर दी गई। न सिर्फ ये हुकूमत ख़त्म हुई थी बल्कि साथ साथ स्पेन में रहने वाले सभी मुसलमानों का या तो कत्ल कर दिया गया था या फिर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया था, और स्पेन देश में मौजूद सभी बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों को या तो शराब खानों में बदल दिया गया था या फिर उन्हें ईसाई चर्च बना दिया गया था। आज के दौर में जिस चर्च को स्पेन का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, वो चर्च भी किसी दौर में मुसलमानों की एक मस्जिद हुआ करती थी और उसे मस्जिद कुर्तबा के नाम से जाना जाता था। मुसलमानों की हुकूमत के दौर में स्पेन ने वो तरक्की हासिल की थी जो स्पेन उससे पहले कभी नहीं कर पाया था। उस दौर में न सिर्फ पूरे यूरोप से बल्कि पूरी दुनिया भर से अलग अलग हिस्सों से बच्चे तालीम हासिल करने के लिए स्पेन आया करते थे। स्पेन का शहर कुर्तबा उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी मानी जाती थी। कुर्तबा शहर में ही इब्ने फरनास, इब्ने रसद और इब्ने जहरावी जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए थे। तारिक बिन ज़ियाद की फतह की खबर जब अफ्रीका पहुंची तो मूसा बिन नसीर ने सल्तनत अपने बेटे अब्दुल्ला बिन मूसा के हवाले की और 18000 फौज के साथ खुद स्पेन रवाना हो गए। खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक को जब यह खबर पहुंची तो आपने तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर को दमिश्क बुला लिया।
मूसा ने स्पेन को अपने बेटे अब्दुल्ला के हवाले किया और तारिक बिन जियाद को लेकर दमिश्क के लिए रवाना हो गए। ये काफिला अभी रास्ते में ही था तभी खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक की तबीयत खराब हो गई और खलीफा के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने काफिले को एक खत लिखा कि आप अपनी रफ्तार धीरी कर दो ताकि ये माले गनीमत मेरे दौरे हुकूमत में मौसूल हो। लेकिन ये दोनों हजरात ने सफर जारी रखा। जब ये दमिश्क पहुंचे तो खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक जिंदा थे। उन्होंने मूसा बिन नसीर को 50,000 अशरफिया इनाम में दी, लेकिन जल्दी ही खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया। इसके बाद इनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर शुरू हुआ। उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया के फतुहात में मसरूफ थे। मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह कर चुके थे, कुतैबा बिन मुस्लिम बुखारा और समरकंद होते हुए फरगाना घाटी होते हुए पश्चिमी चीन के बॉर्डर तक का इलाका फतह कर लिया था, जबकि तारिक बिन जियाद यूरोप में स्पेन फतह कर चुके थे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने खलीफा बनते ही सभी जर्नैलों को वापस बुला लिया, मोहम्मद बिन कासिम और कुतैबा बिन मुस्लिम को कैद करवा दिया, जहां उनका इंतकाल हो गया और मूसा बिन नसीर के ऊपर माले गनीमत में हेराफेरी का आरोप लगाकर उनको पद से हटा दिया और इसके बाद तारिक बिन जियाद को भी उनके पद से हटा दिया गया। दोस्तों, ये कहानी थी एक 19 साल के नौजवान जर्नैल की। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर अपनी राय दें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।